अजी आप कौन होते हैं वचन देने वाले? कम से कम मुझसे तो पहले पूछ लेना चाहिए, न जानना पहचान चले आते हैं प्रोड्यूसर बनने। कमाल है, तुम क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो? काम मुझे करना है। करेक्ट, सन्या साहब उनको प्रॉमिस करके आए हैं, पार्टी भी अच्छी है, और जब पैसे ज्यादा मिल रहे तो मैं काम क्यों नहीं करूंगी? देखो रंजीत मल्लिक, जिंदगी के बारे में तुम्हारा कोई दिलरुबा नहीं है। दिलरुबा के बोले तजुर्बा, तजुर्बा समझते हो, तजुर्बा नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम करूंगी, लाइए पैसे मुझे दे दीजिए। पैसे तो, लेकिन दादा कहानी अच्छी होनी चाहिए। कहानी बहुत अच्छी है, दत्त साहब ने खुद लिखी है, खुद। चेक भी है, कैश भी है, कौन देता है? ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। देखा देखा, आज रंजीत मलिक कौन है बीच में बोलने वाला, किसकी वजह से बनी है ये, वो दिन भूल गई। इनकी वजह से आज मैं रास्ते का भिखारी बना हूँ, रास्ते का भिखारी सुनैल साहब। नहीं सुनैल साहब, सुजाता किसी पार्टी वार्टी में अकेली नहीं जाएगी। अरे दूर पार्टी, कहाँ पार्टी होती तो तुम्हें नहीं बुलाता। अरे वो सुनीता को स्टोरी सुनना है और दत्त साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। तो क्या वो लाड साहब यहाँ नहीं आ सकते? आ जरूर सकते, मगर बड़े आदमी है, प्यार से बुलाया है, सुनीता स्टोरी सुनेगी। तुम वहां जाओगे तो कबाब में हड्डी बनकर रहोगे। हाँ हाँ, आजकल तो हम कबाब में हड्डी बन गए। इनसे मिलिए, इनसे मिलिए जरा, ये है आज की सुनीता देवी। किसने बनाया आपको, किसने बनाया? अगर उसने रंजीत मलिक ना होता तो आपकी ये सुनीता देवी स्टार ना चमकती। हाँ रंजीत, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने मुझे क्या बनाया? मुझ में टैलेंट थी, मैं बन गई, और तुमने जो कुछ भी किया अपने गरज के लिए किया। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आजकल तुम्हें तुम्हारी नजरों में कचरा नजर आता, क्योंकि सेठ के जरिया जो बंदे हुए तुम्हारी। रंजीत, हाँ, हाय, ठीक हो चुकी ना, तीन रात ही चित्कार हमारा सहज हो चला, और हम शुभ काम पे जा रहे हैं। तुम वहां जाओगे तो दत्त साहब पूछेंगे कौन है, तो क्या परिचय दिया जाए? हाँ हाँ, आजकल हमारा असली परिचय कैसे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? मालदार स्वामी जो ठहरी ना, अगर पोल खुल गई तो चिड़िया फुर हो जाएगी, फुर। रंजीत, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बट नाउ इट्स गेटिंग अ बिट टू मच। मैं जाऊंगी। दादा आप शाम को आ जाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगी, और तुम भी सुन लेना, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो आज के बाद मेरे घर पे भी नहीं आना, समझे? इतनी बड़ी बात, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी चाहता कि मैं थप। आइए, क्या देख रही हैं? शायद आप सोच रही हैं कि मैं रात को काला चश्मा क्यों पहनता हूं। बात यह है सुनीता देवी कि दुनिया की रंगीनियों में जो एक काला रंग है वो इससे साफ नजर आता है। घबराइए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मेरी आंखें भड़कती हुई रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तशरीफ रखिए। देखा सुनीता, मेरा ख्याल था, मेरा ख्याल था कि पैसे वाले लोग कहानी नहीं लिख सकती, मगर दत्त साहब की बातें सुनकर मुझे मालूम पड़ा कि इनको उच्च दर लेखक, बहुत उच्च दर का लेखक हैं, ठीक है ना? ऊंचे दर्जे का। हाँ हाँ, ऊंचे दरवाजे का। दर्जे, हाँ दर्जे का। खैर सुनीता देवी, पतिव्रता में आपका अभिनय देखकर मैं वाकई दंग रह गया। जनता आपकी हर अदा पर ताली बजाती है, आप सचमुच महान अभिनेत्री हैं। अभिनय तो आपकी रग रग में बसा हुआ है। वंडरफुल, मुबारक हो आपको। थैंक यू। लेकिन आप यहां अकेले हैं? मैं अकेला ही हूं। आप शायद मेरी बीवी के बारे में जानना चाहती हैं। मैं कुमारा नहीं हूं, शादी हुई थी लेकिन सुहागरात पे ही बीवी की मौत हो गई। सुहागरात में? हाँ सुहागरात। आप हंस रहे हैं? जिंदगी का इतना बड़ा मजाक देखने के बाद कोई हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा। खैर बातों में बहुत वक्त जाया हो गया, कहिए सन्याल साहब क्या लेंगे? वही विस्की प्योर। और सुनीता देवी आप? जी जी,
मैं कुछ नहीं लूंगी। नहीं नहीं सुनीता देवी, ये कैसे हो सकता है? हमारी पहली मुलाकात एक यादगार मुलाकात है, उसे सेलिब्रेट किए बगैर कैसे चलेगा? स्टोरी सुनने से पहले एटमॉस्फेयर बनना चाहिए ना। हाँ तो सुनीता देवी, आप कहानी सुनना चाहती थी ना? शुड आई स्टार्ट? लीजिए लीजिए, शर्माइए मत, यहां सब घर के ही लोग हैं। तो शुरू करें। सुनीता देवी, ये कहानी एक मामूली मिडिल क्लास घर की कहानी है। ये कहानी उस लड़के की कहानी है जिसने अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश को ठुकरा कर भी शादी से इनकार किया, और जब वो बदनसीब मां चल बसी तो एक दिन एक जलसे में उसने एक लड़की का गाना सुना। गाना सुनने के बाद वो लड़की पे आशिक हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था, मगर लड़की शादी करने के लिए तैयार न थी, क्योंकि उसे चाहिए था नाम, यश, रुपया। वो एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी। मां बाप के कहने पर मजबूरन उस लड़की ने शादी तो कर ली, लेकिन वो हमेशा इस लड़के से शिकायत करती रही कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और लड़का चुपचाप उसके इल्जाम सहता गया, क्योंकि वो लड़की से बेहद प्यार करता था। ये कहानी किसकी है? मेरी, मैंने लिखी। एक मामूली सी बात पर सीन क्रिएट करके तुम यहां चले आए, इसलिए मैं तुमसे कहता था कि मुझे वहां अपने साथ चलने दो। मैं तो ये सोचा था कि तुम मुझे जबरदस्ती इसलिए उठाकर लाई हो कि तुम्हारे दिल में पछतावा होगा और तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। मुझे क्या मालूम था कि ये सब बकवास सुननी पड़ेगी। एक चलती हुई गाड़ी से कूद कर आदमी ने खुदकुशी की और वो बच गया, और वो तुम्हारा पति, और आज वो तुम्हारा पति करोड़पति बनकर वापस आ गया। रंजीत, ये मजाक नहीं है। जब वो आदमी मुझे कहानी सुनाने लगा तो मुझे ऐसा लगा ऐसा लगा कि वो तुम्हारी अपनी जिंदगी की कहानी। कहां से आया वो? कहां से आया? वो आया बंबई से। बंबई में इससे ज्यादा लोग और सोच नहीं कह सकते। वहां एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, और तुमने सोचा कि वो विलन मैं हूं। मैं, चलो चलो, सुबह से बहुत मूड खराब किया तुमने, एक बटन वोटर निकालो। नहीं रंजीत, अब तुम घर जाओ, मुझे आराम करने दो, बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। नो नो नो, गुड नाइट। आई एम गोइंग टू मेक इट अ वेरी बैड नाइट। देखो रेखा, आज तुम्हारे और मेरे बीच में फैसला हो ही जाना चाहिए। आजकल तुमने मेरा इंसल्ट पब्लिकली करना शुरू कर दिया। आखिर तुम चाहती क्या? मैं सोना चाहती हूं। प्लीज गेट आउट। हेलो, ग्रैंड होटल, उठनो टू 218 प्लीज। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या देख रहे हैं आप? ये फोटो आपके पतिदेव की है? जी जी नहीं। वो तो फिर आपके किसी दोस्त की होगी। जी नहीं, मेरे पति के दोस्त की है। ओ, आपके पतिदेव से मिला नहीं मैं, कहाँ है वो? जी वो क्या बात है? अगर कोई ऐसी बात है तो मैं पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मर चुके हैं। I'm sorry. मैं तो इसलिए आया था कि कल आप अचानक किस तरह चली गई।
मैंने सोचा मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई। जी नहीं, मैं तो इसलिए चली आई थी कि मेरी तबीयत कुछ। हाँ, मैंने सुना आपकी तबीयत कुछ खराब थी। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किस बात की? आपके जन्मदिन की। जन्मदिन? आपको आपको कैसे मालूम है कि आज मेरा जन्मदिन है? अजी, फिल्मी सितारों के जन्मदिन क्या, उनकी तो हर बात, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, सभी कुछ तो पेपरों में छपता रहता है। वैसे मुझे ये बात सन्याल साहब से मालूम पड़ी। मैंने तो सोचा था कि आज यहाँ एक बहुत बड़ी दावत होगी, कोई जलसा होगा, लेकिन यहाँ आके देखा तो शायद आपकी तबीयत की वजह से। खैर छोड़िए इन बातों को, मेरी तरफ से जन्मदिन की मुबारकबाद और छोटी सी भेंट स्वीकार की। I'm sorry. कौन है आप? जी क्या बात है, आपके चेहरे का रंग कुछ उतरा हुआ नजर आ रहा है, लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैं डॉक्टर का इंतजार। नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, मैं तो घबरा ही गया था। अभी कल आपसे मुलाकात हुई और आज आप पूछ रही हैं कि मैं कौन हूं। एनीवे, मैं आपको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं कलकत्ता से बाहर जा रहा हूं, प्लेन का वक्त हो गया है। गुड नाइट। तो मैंने जो कुछ भी सोचा था वही सच निकला, मगर इस बार भी तुम्हारा रंजीत मल्लिक कामयाब न हो सका। मैंने उसे ठीक जगह पहुंचा दिया है, इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक कर सकता हूं, मगर नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बढ़ के सजा देना चाहता हूं। नहीं, मेरा यकीन करो, आज जो कुछ भी मैंने देखा ये सब मुझे मालूम नहीं था। उस कमीने ने मुझे यही बताया था कि तुम कि मैंने खुदकुशी कर ली, और उसका यकीन करके उस वक्त तुम खामोश रही, क्योंकि तुम्हें अपने अरमान पूरे करने के लिए रंजीत मल्लिक की जरूरत ज्यादा थी। आज वही रंजीत मल्लिक तुम्हारी नजरों में कमीना बन गया है। कितनी खुदकश हो तुम रेखा, तुम्हारी हवस के आगे पति का प्यार, मां की ममता कुछ माने नहीं रखते। रेखा, जिंदगी में तुमने जो कुछ चाहा वो तुमने पाया, मगर कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज तुम्हें वह कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मगर तुम्हारे पास है ही क्या कीमत चुकाने के लिए? यश, नाम, रुपया, जिस दिन तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी रेखा, ये सब चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी। जो लोग तुम्हारा पतिव्रता का अभिनय देखकर तालियां बजाते थे वो तुम पर थूकेंगे। बस बस बंद करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो बोलो, क्या सजा देना चाहते हो, क्या कीमत चाहिए तुम्हें? ये तुम्हें भूल ही गया कि कीमत चुकाने के लिए अब भी तुम्हारे पास कुछ बाकी है, ये आंसू। लेकिन जिस दिन असली कीमत का पता चल गया रेखा देवी, उस दिन ये आंसू भी सूख जाएंगे। हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हाँ दार्जिलिंग, हेलो मिठुन, मिठुन मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ मैं कल आ रहा हूँ बेटे, फिर तुम और मैं बंबई चले। गुड नाइट बेटा, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मिठुन को नहीं ले जा सकते, मिठुन में तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं, हक तो सिर्फ तुम्हारा है क्योंकि तुम उसकी माँ हो, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तुम्हारे पास तो जो मां का दिल था वो तुमने अरमानों की चिता में जला के राख कर दिया। तुम एक दिल में नहीं, हजारों दिलों में एक साथ बसना चाहती थी, इसीलिए आज ना तो तुम किसी की मां हो, ना ही किसी की पत्नी। तुमने अपना तन मन सब कुछ अपनी एक ख्वाहिश के लिए दुनिया के बाजार में बेच दिया।